आप सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए कि प्रभु ने हमें एक नई सुबह को, एक सुंदर सुबह को परमेश्वर ने हमें दिया और जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हमें रखा। इस बात के लिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। भजन संहिता 66:19 में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थनाओं की ओर ध्यान दिया है। आमेन। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर सुबह के लिए। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं यीशु, आपके अगापे प्रेम के लिए धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, उन सब को तेरी हुजूरी में, तेरी उपस्थिति में लेकर आती हूँ परमेश्वर। हर एक पर प्रभु तेरा पवित्र लहू लगाते हैं परमेश्वर की हर एक को आप प्रोटेक्ट करें परमेश्वर पिता। तो प्रभु जितने भी लोग प्रभु आज की सुबह में प्रभु तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, और तुझसे प्रभु अपने मनों की बातों को कहते हैं प्रभु, और पिता परमेश्वर जितने भी लोग प्रभु अपने अपने कामों के लिए प्रभु तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र के लिए तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु, आप अपने वचन के अनुसार उनकी प्रार्थनाओं पर ध्यान दे परमेश्वर पिता। आप हर एक की सुधि लीजिए प्रभु, आप हर एक के मनोरथों को पूरा कीजिए प्रभु, आप हर एक की बीमारी को ठीक कीजिए प्रभु जी, आप हर एक के कर्जे को चुकाएं परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हर एक परिवार के लिए प्रभु पिता, आज के दिन में प्रभु हर एक जन को आप हर एक दुर्घटना से, हर एक बीमारी से, हर एक विपत्ति से, दुष्ट की युक्तियों से, नेगेटिव बातों से प्रभु जी आप प्रोटेक्ट करें प्रभु। आपके सुरक्षा दायरे में प्रभु हम हर एक व्यक्ति को रखते हैं परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन हम प्रार्थना करते हैं परिवार में होने वाली हर एक समस्याओं से आप प्रभु हर एक के परिवार को बचाएं परमेश्वर पिता। घर में आने वाली प्रभु कर्जे की समस्याओं से प्रभु हर एक को आप बचाएं परमेश्वर पिता। प्रभु घर में आने वाली बीमारियों से प्रभु हर एक के जीवन को आप बचाएं परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन जो कोई बीमार है प्रभु आज के दिन में यीशु मसीह हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाइए यीशु और उन्हें चंगा करें परमेश्वर। जो अपने काम एक नए काम को शुरू करने जा रहे हैं प्रभु, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उन पर ध्यान दीजिए प्रभु और उनके कामों को आप सफल कीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु यदि किसी के जीवन में एक नई अपॉर्चुनिटी आती है परमेश्वर, आप उन्हें उसमें प्रभु एक राइट डिसीजन लेने के लिए आप उनकी सहायता करें परमेश्वर। प्रभु जिस किसी का रिश्ता नहीं हो पाता यीशु मसीह आप उनके रिश्तों को बनाए परमेश्वर पिता। प्रभु आपसे दुआ है प्रभु कि जो लोग प्रभु अपनी जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं प्रभु, आप उनके लिए प्रभु एक अच्छी जॉब को उनके जीवन में दीजिए परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जो प्रभु मेंटली प्रभु डिस्टर्ब है, मेंटली जो बीमार है, जिन लोगों को प्रभु किसी प्रकार की एलर्जी है, उन लोगों के लिए हम तुझसे दुआ करते हैं प्रभु कि आप उनकी प्रार्थनाओं पर ध्यान दे परमेश्वर पिता। आप उनकी सुधि लीजिए परमेश्वर कि हर एक की एलर्जी यीशु के नाम से जाती रहे, हर एक की बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे परमेश्वर। आप अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाइए और उन्हें छू लीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हर एक के जीवन को आप बनाए प्रभु, हर एक के जीवन में आप अपना आशीष दें। आज दिन भर में प्रभु आप हर एक को अपनी आशीषों से, अपनी दया करुणा से भरे प्रभु, और हर एक की प्रार्थनाओं को प्रभु आप प्रभु ध्यान में दें प्रभु, हर एक की प्रार्थनाओं का उत्तर आप दें परमेश्वर पिता। धन्यवाद हर एक परिवार को, हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जन को तेरी सुरक्षा दायरे में रखते हैं। हर एक के मनोरथों को आप पूरा करें आज दिन भर में, हर एक को संभालें, हर एक के बिगड़े हुए कामों को बढ़ाएं, हर एक के कर्जों से प्रभु आप बाहर निकालें, हर एक को प्रभु गलत विपत्तियों से आप बचाएं। यीशु मसीह आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया। यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।